तो अब है नेक्स्ट आपका ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग। तो जो स्क्रीन प्रिंटिंग हमने लास्ट टाइम बताई थी ये उसका मैकेनाइज्ड वर्जन है। जो पहले बताई थी हम वो हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग थी। ये पूरा मशीन होता है और काफी लंबा मशीन होता है, करीब करीब 50-60 मीटर का। तो ये वो मशीन है जो स्क्रीन हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग थी उसको ही मशीन मैकेनाइज्ड करके मशीन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसमें क्या प्रोसेस है कि ये आपका है कपड़ा, ठीक, ये कपड़ा आपके, ये है आपका प्रिंटिंग एरिया और इस पे ये दिख रहे हो ना आपको, ये छोटे छोटे ये हैं आपके स्क्रीन्स। तो आपके कपड़ा यहाँ से जाएगा और यहाँ होता है कन्वेयर बेल्ट होता है एक, ये यहाँ जो कपड़े इसके स्क्रीन के नीचे और कपड़े के नीचे कन्वेयर बेल्ट रहेगा जो ऐसे यो घूमता रहता है। तो कन्वेयर बेल्ट पे क्या है, ग्लू लगाते हैं जिससे कपड़ा आपका उस पर चिपक जाता है ताकि प्रिंटिंग के टाइम पे वो इधर उधर हिले नहीं। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक, आ रही है। ताकि प्रिंटिंग के टाइम पे वो इधर उधर हिले नहीं। तो आपका ये स्क्रीन जो रहेगा ये आपका लिफ्टेड रहता है हमेशा ऊपर, तो जब प्रिंट करना होगा वो नीचे आएगा ऑटोमेटिक। उसमें इस साइड से एक साइड से कलर आप कई जगह बाई हैंड डालते हैं, कई बार उसके लिए भी पंप लगा रखे होते हैं। ये पंप लगा के एक ट्यूब से कलर ड्रॉप होता है वहां। उसके बाद ये स्क्वीजी है, तो ये स्क्वीजी भी ऑटोमेटिक होता है। तो ये तो है रबर स्क्वीजी, अदरवाइज आजकल मेटल रॉड टाइप स्क्वीजी भी चलते हैं जिसमें रॉड जैसा एक पर्टिकुलर होता है, रॉड होती है ना स्टील रॉड उस टाइप का, वो मैग्नेटिक उससे चलता है। तो ये कलर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। तो मोस्टली 1 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक मतलब कपड़े के एक कोने, स्क्रीन के एक कोने से दूसरे कोने तक और फिर इधर कोने से इधर कोने तक ऐसे वो कलर को स्क्रैप करेगा। तो स्क्रीन में जो भी डिजाइन आपने स्क्रीन पे प्रिंट किया है वो डिजाइन से आपका स्क्रीन से कलर आपका फैब्रिक पे आ जाएगा और वो डिजाइन फैब्रिक पे प्रिंट हो जाएगा। स्क्रीन कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, देखा आप लोगों ने किसी ने वो स्क्रीन प्रिपरेशन का? जी सर, वो तो वो वीडियो से आपको पता चला होगा कि स्क्रीन कैसे बनाते हैं। ये होती है मशीन, अब देखो बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली कैसे आपका ये प्रिंटिंग होता है। ठीक, ये आपका फैब्रिक, वाइट फैब्रिक, ये देख रहे हो आप, ये कन्वेयर होता है ये नीचे। कन्वेयर मतलब कन्वेयर बेल्ट, ये ऐसे एंडलेस उसमें घूमती रहती है, रोटेट होगी। ये आपका प्रिंटिंग एरिया है, ठीक है, यानी कि ये जैसे नंबर ऑफ स्क्रीन दिखाए हुए हैं तो ये सिर्फ इस मशीन पे यहाँ पे दो रिप्रेजेंट किए हुए हैं। इंडस्ट्री में जाओगे तो 8, 10, 15, 16 कलर तक का आपका पॉसिबल है इसमें। ठीक, तो ये आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पे ये डिजाइन है सर्कल वाला। तो क्या होगा कि कपड़ा आपका यहाँ से जाएगा, स्क्रीन नीचे आएगा, स्क्रीन नीचे आएगा तो उस पर कलर आप यहाँ तो बाई हैंड डालते हैं कुछ लोग, अदरवाइज ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। और उसके बाद ये स्क्वीजी है, ये तो स्क्वीजी भी दो टाइप का होता है, एक रबर का ये और एक आपका उसका होता है रॉड टाइप होता है मैग्नेटिक से जो चलता है। तो ये यहाँ पे कलर डालेंगे तो कलर के जाके ये स्क्वीजी कलर को यहाँ से इधर लेके जाएगा और फिर इधर से इधर लेके जाएगा। तो ये डिपेंड ऑन इसको 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, हमारा जितना शेड हमको लाना है कपड़े पे उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं। तो ये ऑटोमेटिक मूव होता है इधर और इधर, इसमें कलर डालेंगे तो ये आपका डिजाइन स्क्रीन से कपड़े पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद कपड़ा आपका आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाके आपका ड्राइंग और वो होगा, आपके आपका ड्राइंग होगा, ड्राई होगा। और अगर आपको प्रोसेस में स्टीम है तो स्टीमिंग भी करते हैं, और स्टीमिंग के बाद आपको वॉश करके देन फिर ड्राई और आपका कपड़ा रोलर पे रैप कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हम ना ये कन्वेयर बेल्ट जो है तो इस पे ये कपड़ा जो इसके ऊपर आएगा तो ये हिले नहीं, इसके लिए यहाँ पे ग्लू लगाते हैं हम गोंद टाइप का कन्वेयर बेल्ट पे। तो यहाँ एक ग्लूइंग डिवाइस होती है, तो यहाँ ग्लू लगेगा तो कपड़ा जैसे ही कन्वेयर पे आएगा वो वहां पे चिपक जाएगा, जब स्क्रीन उसके ऊपर आएगा तो वो इधर उधर हिलेगा नहीं। क्योंकि ये तो हमने सिंगल कलर का डिजाइन बताया है, लेकिन अगर मान लो इसमें एक कलर से ज्यादा कलर का डिजाइन है तो डिजाइन मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो डिजाइन मिसमैच नहीं हो उसके लिए क्या है कि कपड़ा जब कन्वेयर पे है तो वो हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल एज इट इज रहना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ ग्लूइंग डिवाइस ग्लू लगाते हैं इस पे कन्वेयर पे, और वो ग्लू को यहाँ जब यहाँ से प्रिंटिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है तो यहाँ पे हम वॉश कर देते हैं। ठीक है,
इसके एडवांटेज क्या क्या हैं ये मशीन के कि ये लार्ज रिपीट आप इस पे बना सकते हो क्या? ये हेलो, हाँ हाँ बोलिए। ये आपको कमर्शियल मशीन है, आपने देखी हो शायद कहीं, ये आपका कमर्शियल मशीन, ये आपका स्क्रीन है ठीक है, यहाँ ये आपका स्क्वीजी है, स्क्वीजी ऐसे मूव करेगा इस पे, मैकेनिक वो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया होता है, तो इसकी काफी लेंथ बहुत काफी लेंथ होती है, ये आपका कन्वेयर है ठीक, तो ये आपकी बहुत बड़ी मशीन होती है लेंथ में ठीक, तो इस पे ऐसे आपका प्रिंटिंग होता है, तो इसके एडवांटेज क्या है कि लार्ज रिपीट बड़े बड़े डिजाइन आप इस पे बना सकते हो ठीक, मल्टीपल स्ट्रोक्स फॉर पाइल फैब्रिक्स, जो आप जैसे टॉवल बना रहे हो ना, टॉवल पे आप प्रिंट कर रहे हो ना, तो आपको मैं बता रहा ना वन स्ट्रोक या टू स्ट्रोक स्क्रीन पे, तो टॉवल पे प्रिंट करने के लिए आपको मल्टीपल स्ट्रोक चाहिए, एक स्ट्रोक में दो में नहीं होता है, मतलब तीन चार स्ट्रोक चाहिए, तब जाके आपका प्रिंट टॉवल पे अच्छा आता है, शार्प आएगा, तो वो आप टॉवल मोस्टली इस पे प्रिंट होता है आपका फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग पे। अच्छा लिमिटेशन क्या है इसकी कि ये सेमी कंटिन्यूस मशीन है, यानी कि जब आपको कपड़ा प्रिंट करना है ना, तो उस टाइम पे आपको कपड़े को रोकना पड़ेगा मशीन पे ठीक है, तो कंटिन्यूस नहीं होता, मतलब चलेगा कपड़ा फिर रुकेगा फिर प्रिंट होगा फिर चलेगा फिर प्रिंट होगा फिर चलेगा, ऐसे चलता है इसमें, तो ये इसमें प्रोडक्शन थोड़ा स्लो है, स्लो मतलब इन द कंपेरिजन ऑफ आपका रोलर प्रिंटिंग और रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, उसके कंपेरिजन में स्लो है, हैंड प्रिंटिंग से ज्यादा है इसका प्रोडक्शन। इसका ये एडवांस वर्जन है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या है कि ये फ्लैट बेड में आपका स्क्रीन रेक्टेंगुलर शेप में था ठीक है, रोटरी स्क्रीन में वही स्क्रीन को हमने हॉलो उसमें रोटेट कर दिया है, ये देख रहे हो ना आप, स्क्रीन वही है बस इसको रोटेट करके जॉइंट करके रोलर बना दिया है स्क्रीन का, और ये स्क्रीन जो है ये हॉलो होता है, मतलब अंदर से सिर्फ ऊपर ऊपर एक रोलर रहेगा, परत रहेगी, हार्ड नहीं होता है, अंदर से पूरा खाली रहता है, हॉलो रोलर रहेगा, तो इसमें क्या कि ये हॉलो रोलर में जो अंदर है यहाँ पे हम कलर डालते हैं, ये दिख रहा है ना आपको, तो इसमें अंदर रोलर में कलर जाएगा। अब ये आपका डिजाइन है, तो डिजाइन वाला पार्ट आपका वहां से कलर पास हो सकता है, तो अंदर कलर जाएगा, इसमें जो स्क्वीजी होता है ना वो इस टाइप का होता है, रोलर स्क्वीजी बोलते हैं उसको, ये फोटो में दिख रहा है ना आपको ये, तो वो आपके कलर को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम स्क्रीन टू फैब्रिक, और ये भी मैग्नेटिक उससे चलता है कि इसमें मैग्नेट लग जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम होता है, तो आपका ये प्रेशर आप उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं स्क्वीजी का प्रेशर ठीक। तो ये रोटरी स्क्रीन परफोरेटेड सर्कुलर होता है और सिलेंड्रिकल मेटल स्क्रीन यूज किए जाते हैं इसमें, तो ये जो स्क्रीन है ये मेटल के होते हैं जनरली, जो फ्लैट बेड में हम बना रहे थे फैब्रिक का स्क्रीन सिल्क का या नायलॉन का, ये स्क्रीन जनरली मेटल के होते हैं ठीक, विदाउट द स्क्वीजी लाइज इनसाइड द सर्कुलर इज ए रॉड टाइप और फ्लेक्सिबल ब्लेड, ब्लेड टाइप की स्क्वीजी होता है, लेकिन मैंने यहां जितने देखे हैं वहां पे रोलर टाइप की स्क्वीजी है ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या, ये आपके हाँ ये कंटिन्यूस प्रोसेस है मशीन, यानी आपका कपड़ा कंटिन्यू प्रिंट होगा, बीच में रुकेगा नहीं कभी भी, क्योंकि रोलर है तो वो घूमता रहेगा ठीक, तो इसका एडवांटेज है कि फास्ट बहुत है, प्रोसेस फास्ट बहुत है और क्विक चेंज ओवर ऑफ पैटर्न, यानी अगर आपको डिजाइन चेंज करना है तो इजीली आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ से दो स्क्रू खोलने होते हैं और आप स्क्रीन उठा के हटा दो और नया स्क्रीन लगा दो, रोटरी जो स्क्रीन है कंटिन्यूस पैटर्न, यानी कि आप कंटिन्यूस डिजाइन आप इस पे प्रिंट कर सकते हो। लिमिटेशंस इसकी डिजाइन लिमिटेशंस, तो डिजाइन लिमिटेशंस क्या है कि इस पे भी आप बहुत बड़ा डिजाइन आप रिपीट जो है वो आप प्रिंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर आपने बहुत बड़ा डिजाइन का रोलर बनाया तो रोलर का जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो रोलर का साइज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, डायमीटर बड़ा हो गया रोलर का तो उसको फिर हैंडलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, अलाइनमेंट उसका बिगड़ सकता है, तो इसलिए रोलर का जो डायमीटर है वो इसमें ये वो है लिमिटेशन है कि इसलिए वो आपको स्मॉल रिपीट डिजाइन ही आप इस पे प्रिंट कर सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा तो कोई ये स्पेसिफिकेशन है कि लिमिटेशन है ये, हाँ दिस इज नॉट डिसएडवांटेज, इट इज कॉल्ड लिमिटेशन,
इस पे भी आप एक टाइम पे कितनी स्क्रीन यूज कर सकते हो आप 16 स्क्रीन तक आप कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो ठीक है ओके सर। लेकिन उसमें क्या है कि आपको डिजाइन आपका कोई भी, डिजाइन आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमारे फ्लोर होते हैं, मेटल हो सकते हैं, कोई भी कितने भी कलर यूज कर सकते हैं, अगर कोई भी पर्टिकुलर कलर के लिए अलग 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 स्क्रीन होगा। और आपको इसमें इसमें जो प्रिंटिंग है इसमें क्या आपको डिजाइन मैचिंग का है ना वो है मेन स्किल। हाँ जी हाँ जी। जैसे आप इसमें देख रहे हो इसमें तीन कलर, ये इसमें देख लो आप तीन कलर है इसमें, ये प्लेन है तो ये रेड कलर का स्ट्रिप है, इसके बीच में येलो कलर का है फ्रेस पे ये वाला प्रिंट। तो ये जो सर जैसे पहले वाली स्क्रीन में आया था वो बिल्कुल व्हाइट फैब्रिक था, अब इसी में ही जैसे आपको बेस कलर करना है तो हमें बेस कलर के लिए सबसे पहली स्क्रीन लेनी पड़ेगी जो जिसमें बेस कलर आएगा। नहीं नहीं वो डाइड फैब्रिक ले सकते हो आप, डाइड फैब्रिक होता है बेस कलर ठीक है ओके सर। हाँ उसमें फैब्रिक डाइड लोगे आप, आपको ऊपर से वो प्रिंट करना है जो आपका डिजाइन है। बेस कलर के लिए डाई करते हैं हम जनरली, प्रिंट नहीं करते। ठीक थैंक यू सर। ठीक तो इसमें आप नंबर ऑफ वो यूज कर सकते हो स्क्रीन। नेक्स्ट है रोलर प्रिंटिंग। अगर हम प्रोडक्शन वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा हाई स्पीड होता है इसका ठीक है, लेकिन ये अभी टेक्निकली क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, और रोलर अपने आप में रोलर बनाना ये वेरी कॉस्टली प्रोसेस, तो ये जनरली आजकल नहीं कहीं पे यूज होता है ठीक। तो इट इज ए हाईली स्पीड प्रोसेस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अराउंड 6000 यार्ड्स ऑफ प्रिंटिंग फैब्रिक पर आवर, मतलब इतना इसका हाई स्पीड होता है इन द रोलर प्रिंटिंग। अच्छा इसमें प्रिंटिंग कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है बीच में एक प्रेशर रोलर ठीक, प्रेशर रोलर के साथ में चलता है आपका ये सपोर्ट देने के लिए फेल्ट ब्लैंकेट बैक ग्रे, और ये आपका प्रिंटिंग क्लॉथ जो ब्लीच क्लॉथ है ना, इसका मतलब है कि जो कपड़ा आपको प्रिंट करना है वो वाला कपड़ा है। तो इसमें जो आपका डिजाइन होगा ना वो ये वाला रोलर पे इनग्रेव्ड होगा डिजाइन, ये जो रोलर देख रहे हैं ऊपर जो इसके टच में है, ये वाले रोलर पे आपका डिजाइन इनग्रेव्ड होगा, यानी इनग्रेव्ड मतलब समझते आप खोद के ठीक है, तो एनग्रेव करके आप डिजाइन इसमें रखते हो। आपका कलर जो रहेगा वो रहेगा ये ट्रफ में, तो ये हर हर कलर के लिए अलग अलग रोलर है आपका, और हर कलर के लिए आपका अलग अलग ट्रफ रहेगा, इस ट्रफ में आपका कलर रहेगा। तो ये जो इसके नीचे जो रोलर दिख रहे हैं, ये वाले रोलर के नीचे ये छोटे छोटे जो रोलर दिख रहे हैं, ये आपका ट्रांसफर रोलर होता है। इसका काम होता है कि कलर को ट्रफ से और प्रिंटिंग रोलर, ये इसको बोलते हैं प्रिंटिंग रोलर, प्रिंटिंग रोलर पे ट्रांसफर करना ठीक है। ये यहाँ से कलर को यहाँ ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर करेगा तो यहाँ से कलर कहाँ ट्रांसफर होगा, कपड़े पे, क्योंकि इस पे इनग्रेव्ड है डिजाइन, तो वो जो इनग्रेविंग वाला पोर्शन है वो आपका कलर पिक करेगा, उसमें कलर रहेगा। तो जैसे ये प्रेशर पे आएगा तो आपका कलर ट्रांसफर होगा इनग्रेविंग जो ग्रुप्स है वहां से, और आपके कपड़े पे कलर ट्रांसफर होगा। तो ऐसे ही आपके अलग अलग कलर के आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो इसमें दो अलग अलग चीज होती है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि हाई डिजाइन कैपेबिलिटी की, इसमें आप डिजाइन कोई सा भी बना सकते हो, फाइन डिजाइन भी आप बना सकते हो, मल्टीपल टोन्स भी बना सकते हो, लेकिन इसके लिमिटेशन है कि कॉपर सिलेंडर इसमें यूज करते हैं हम एज ए रोलर जो आपका होता है प्रिंटिंग रोलर जो होता है वो, और वो हार्ड होता है इसमें प्रिंटिंग रोलर। रोटरी में जो हम प्रिंटिंग रोलर यूज कर रहे थे वो हॉलो था, वो निकल का बनता है जनरली, इसमें हार्ड रोलर होता है, तो आपको रोलर वेट में अपने आप बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आपको कोई छोटा शॉर्ट प्रोडक्ट बनाना है तो रोलर प्रिंटिंग रोलर बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है, और बहुत टाइम भी लगता है उसको इंग्रेविंग करने में, और हाईली स्किल वर्कर चाहिए इसमें, यानी कि जो डिजाइन मैचिंग का काम है इसमें उससे भी ज्यादा मुश्किल है जो हम स्क्रीन प्रिंटिंग की बात कर रहे थे, और इसमें प्रिंटिंग फॉल्ट्स भी आपको आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इसमें हाईली स्किल आपका रिक्वायरमेंट होती है। ये पार्ट्स के अलावा दो पार्ट्स और होते हैं, ये हर आपके जो जो भी कलर ट्रफ है और प्रिंटिंग रोलर है उस पर रहेंगे, एक तो रहेगा इस साइड में और एक इस साइड में रहेगा,
तो यानी कि जो डायरेक्शन देख रहे हो आप रोलर की, तो इसको बोलते हैं कलर डॉक्टर। ठीक, तो एक कलर डॉक्टर का काम क्या होता है कि जो आपका रोलर है वो एनग्रेव्ड है, डिजाइन आपका एनग्रेव्ड है, तो जो नॉन एनग्रेव्ड पार्ट है ऊपर वाला स्मूथ पार्ट, वहां से एक्सेस कलर को स्क्रैप करना, स्क्वीज करना। तो ये एक ब्लेड टाइप में होता है, तो एक्सेस कलर को स्क्रैप करेगा ताकि सिर्फ जो ग्रुप्स हैं एनग्रेव्ड जो पार्ट है उसमें ही कलर रहे और वही कलर आपका कपड़े पर ट्रांसफर हो, तो डिजाइन एकदम क्लियर आए। क्योंकि अगर वहां से, क्योंकि थोड़ा बहुत कलर तो आपका जो स्मूथ सरफेस है, नॉन एनग्रेव्ड सरफेस है, उस पर भी पिक होता है। अगर आप कलर डॉक्टर यूज नहीं करेंगे तो वो भी आपको टिंटिंग आपके फाइनल कपड़े में कर देगा थोड़ा बहुत। तो इसलिए कलर डॉक्टर का काम है एक्सेसिव कलर जो स्मूथ सरफेस पे होता है उसको स्क्रैप करना। तो ये होता है आपके प्रिंटिंग से पहले, यानी कि प्रिंट हो रहा है आपके ये पोर्शन आपका प्रिंटिंग एरिया, यानी कॉन्टेक्ट जो प्रिंटिंग रोलर का और प्रेशर बॉल का जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो आपका प्रिंटिंग एरिया है। तो स्क्रैप जो कलर करना है हमें वो प्रिंटिंग से पहले करना है, एक्सेसिव कलर स्क्रैप। अब प्रिंटिंग के टाइम पे क्या होता है कि कपड़े से थोड़ा बहुत आपका कोई फाइबर या ऐसा कुछ पार्टिकल रोलर पे चिपक सकता है, वो रोलर पे चिपकेगा तो वो रोलर पे चिपक के वापस कलर पेस्ट में जाएगा, कलर पेस्ट में जाएगा तो ऐसे ऐसे करके कलर पेस्ट में इम्प्योरिटी बढ़ जाएगी जो प्रिंटिंग में आपको आगे प्रॉब्लम दे सकती है। तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक ब्लेड होता है, उसको बोलते हैं लिंट डॉक्टर। इसका काम होता है कि कोई भी अगर फाइबर या इम्प्योरिटी फैब्रिक से रोलर पे आ गई है तो उसको रिमूव करना और रोलर को क्लीन रखना। इन शॉर्ट ये रोलर को क्लीन करता है, प्रिंटिंग रोलर को। तो ये आपका लिंट डॉक्टर बोलते हैं उसको, और ये होता है डॉक्टर ब्लेड। तो दो पार्ट है, डॉक्टर ब्लेड का काम है एक्सेसिव कलर, जो नॉन एनग्रेव्ड पार्ट है, स्मूथ पार्ट है प्रिंटिंग रोलर का, वहां से एक्सेसिव कलर को स्क्रैप करना। और लिंट डॉक्टर का काम है कि अगर कोई भी फाइबर या कोई भी पार्टिकल फैब्रिक से प्रिंटिंग में और रोलर पे लग गया है प्रिंटिंग रोलर पे, उसको रिमूव करना। यह है ट्रांसफर प्रिंटिंग। ट्रांसफर प्रिंटिंग आपको पता है क्या होता है? ट्रांसफर प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग में हम पेपर यूज करते हैं। ठीक है, आप देखा हो जनरली टी शर्ट बहुत प्रिंट होती है ट्रांसफर प्रिंटिंग में। हाँ, टी शर्ट में बैक शीट भी बहुत अच्छे। हाँ, पेपर लेते हैं हम, पेपर को प्लेस करते हैं, ऊपर से प्रेस करते हैं, हीट देते हैं, और वो आपका पेपर से ट्रांसफर, डिजाइन ट्रांसफर हो जाता है आपके कपड़े पे। तो ये जो हमने यहाँ पे दिखाया है, ये आपके हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस में देखो आप, अब इसमें देखोगे आप तो ये तो आपके वही प्रेशर रोलर है, ये हीटिंग का काम करता है। ठीक है, हीटिंग रोलर, इसका काम है हीट देना। अब आपके इसमें ये पेपर रहेगा, पेपर रहेगा आपके अंदर वाली साइड, और डिजाइन जो पेपर पे प्रिंट है वो रहेगा बाहर वाली साइड, प्लेन पेपर अंदर वाली साइड। ठीक, ये आपका फैब्रिक है जो आपको प्रिंट करना है। ठीक, प्रिंट, और ये बैकिंग पेपर। ये इसके लिए होता है कि हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग में क्या होता है स्पेशल, वो है कि प्रिंट वो कैसे ट्रांसफर होता है कि आपका डाइड पेपर है, ये पेपर जिस पे हमने प्रिंट किया हुआ है कपड़ा, उसमें यूज करते हैं जनरली डिस्पर्स डाई। तो डिस्पर्स डाई की एक प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। सब्लिमेशन मतलब है कि हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो पहले क्या होता है, सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड को आप फर्दर हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। सब्लिमेशन प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। तो ये सिर्फ आपके डिस्पर्स डाई में होती है। तो डिस्पर्स डाई का प्रॉपर्टी क्या है कि वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस वेपर में कन्वर्ट हो जाती है हीट अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं। तो ये जो प्रिंटेड पेपर होता है ये उससे प्रिंटेड होता है। तो क्या जब यहाँ पे हीट अप्लाई होगी ना, तो जो डाई पार्टिकल जो है वो गैस में कन्वर्ट होके आपके फैब्रिक पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये बैक पेपर का काम इतना है कि मान लो और कोई कुछ एक्स्ट्रा वेपर आ रहे हैं उधर, तो उसको ये अपने ऊपर लेगा, मतलब इट इज काइंड ऑफ वेस्ट है कि अगर कोई एक्स्ट्रा कलर आ गया तो उसको ये अपने ऊपर बैक पेपर ले लेगा। तो इसमें ये तो आपको कुछ करना ही नहीं है, प्रिंटेड पेपर आता है। ठीक, ये रोलर वाला अरेंजमेंट है पूरा, आपको ये पेपर लगाया, बीच में कपड़ा लगाया, ये बैक पेपर लगाया, और यहाँ हीटिंग अरेंजमेंट दिया, कपड़े को ऐसे पास किया और वो अपने आप अपना आपका फैब्रिक यहाँ इस पर रोल हो जाएगा। आपका जो पेपर है
तो ये पेपर है, जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पेपर का कलर, पेपर पे जो डिजाइन प्रिंट होगा वो बहुत अच्छा होगा, और यहाँ देखोगे तो आपको पेपर पे से डिजाइन हट चुका होगा, ऑलमोस्ट बहुत लाइट कलर रहेगा पेपर का। यहाँ आपका कपड़ा रहेगा अनप्रिंटेड और यहाँ आपका कपड़ा रहेगा प्रिंटेड। यहाँ ये बैक क्लॉथ भी आपका पहले विदाउट प्रिंटेड नॉर्मल रहता है, यहाँ इस पे बहुत लाइट प्रिंट आ सकता है। ठीक, तो ये इसका प्रोसेस है। तो इसके एडवांटेज क्या क्या है, इजियर हैंडलिंग, क्योंकि इसमें आपको कलर पेस्ट या कुछ बनाना नहीं है, पेपर आ रहा है तो आप इजीली आप पेपर से प्रिंट कर सकते हो। बेटर रजिस्ट्रेशन क्लैरिटी, इन्वेंट्री इन पेपर। लिमिटेशन क्या है, स्लो है, और सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है ये सिर्फ आप पॉलिएस्टर पे यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डिस्पर्स डाई सिर्फ पॉलिएस्टर पे ही हो सकती है, और ये जो प्रॉपर्टी सब्लिमेशन की मैं बता रहा था कि सॉलिड से और डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने वाला, ये डिस्पर्स डाई में होती है। तो जिस जिस फाइबर पे आप, फैब्रिक पे आप डिस्पर्स डाई कर सकते हो, वहां पर ही आप हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग कर सकते हो। ब्लेंड में भी करते हैं हम, टी शर्ट में, पॉलिएस्टर कॉटन ब्लेंड में भी, लेकिन वहां पे आपका प्रिंट जो है वो थोड़ा लाइट रहेगा, क्योंकि सिर्फ जो पॉलिएस्टर पार्ट है वहीं पे आपका प्रिंट फिक्स होगा, अदरवाइज कॉटन पार्ट पे फिक्स नहीं होगा, तो वहां पे आपका प्रिंट जो जाएगा वो थोड़ा लाइट जाएगा। ठीक, उसके अलावा ये तो खैर वैसे मेथड है जो काम में यूज होते नहीं है, ड्यूप्लेक्स ब्लॉक, डिस्चार्ज कम रेजिस्ट, क्रिम्प, क्रिपॉन, ये फैंसी प्रिंटिंग है, तो ये बहुत ही कहीं बहुत ही रेयर केस में यूज करते हैं। ठीक, इसमें से कुछ कुछ मैं बता देता हूं आपको फिर भी। जैसे आपका बार प्रिंटिंग में क्या होता है कि आप यार्न को प्रिंट करते हैं, ये जनरली हैंडलूम में बहुत फेमस है, यार्न को आप टाई एंड डाई करते हो और फिर वो यार्न से आप फाइनल कपड़ा बनाते हो, तो वो डिजाइन यार्न से कपड़े पे डिजाइन आता है, लेकिन उसमें सिंक्रोनाइजेशन ऐसे होता है बार जैसे इकत की प्रिंटिंग, इकत की वोवन टेक्सटाइल बनाते हैं, वो बार पे प्रिंटेड ही होता है इकत जो स्टाइल। हाँ जी, बतिक आप जानते ही हो, वैक्स से होता है। ठीक, ब्रासो स्टाइल में शायद मेरे हिसाब से बर्न करते हैं हम। ठीक, बर्न स्प्रे पेंट प्रिंटिंग में आपने फैब्रिक लगाया और उस पर स्प्रे से आप कलर लगा रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, दैट इज स्प्रे पेंटिंग। फोटो प्रिंटिंग जो है, बाटिक जो डाइंग है वो मशीन से भी हो सकती है या सिर्फ ओनली हैंड से ही होती है? हैंड से ही होती है, मशीन से नहीं होती। ठीक है सर। फोटो प्रिंटिंग में ऐसा है कि जो हम स्क्रीन प्रिपेयर कर रहे थे ना, वो उसको फोटो प्रिंटिंग बोलते हैं, वो फोटो प्रिंटिंग का मेथड है स्क्रीन प्रिपेयर करना। तो ये अलग अलग वो हैं जो आजकल यूज होते हैं। ये तो कहीं कोई बहुत ही रेयर केस में यूज करता है, फैंसी स्टाइल है ये कोई स्पेशल प्रोडक्ट होता है, वहां पे ये सब मेथड यूज में लेते हैं। इसके बाद है जो लेटेस्ट है, जो आजकल आ रहा है, इमर्जिंग फील्ड है, दैट इज आपका डिजिटल प्रिंटिंग। तो डिजिटल प्रिंटिंग का क्या है कि इससे आप टी शर्ट, ड्रेस, किसी भी कपड़े पे आप डाई कर सकते हो। तो डिजिटल प्रिंटिंग में भी कई तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट टू गारमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, और इसमें क्या सबसे बड़ा आपका कि वो यूज नहीं होता है, बहुत पानी की जरूरत नहीं होती आपको डिजिटल प्रिंटिंग में। इंकजेट प्रिंटिंग या डिजिटल प्रिंटिंग, उस दोनों एक ही चीज है। तो इसमें आपका दो टाइप है, कंटिन्यूस इंकजेट और कंटिन्यूस एरे इंकजेट। ठीक, अब वो मैकेनिज्म क्या है वो आप भूल जाओ कि वो मशीन का वो है, तो एक पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है मशीन में, जो प्रिंटिंग मशीन है उसमें कलर आने का, कलर जाने का जो सिस्टम है उसके बेस पर उसको दो पार्ट में बांटा गया। बाकी डिजिटल प्रिंटिंग होता क्या है कि नॉर्मल हम जो पेपर प्रिंट करते हैं ना, आपने देखा होगा प्रिंटर पे, तो पेपर भी प्रिंट करने में वही मैकेनिज्म यूज होता है। उसमें क्या कि आपने कलर प्रिंटर देखा है ना आपने, पेपर प्रिंटर कलर, तो उसमें क्या आप कलर भर देते हो अलग अलग, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर है वो आप भर देते हो उसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के प्रपोर्शन में मिक्स, अलग अलग प्रपोर्शन में मिक्स करने से सारे कलर बन जाते हैं आपके। तो प्रिंटिंग में आप प्रिंटर पे आप जो कमांड दोगे वो उसके अकॉर्डिंग जितना क्वांटिटी जिस कलर का चाहिए वो सेक्शन से लेके और वो आपके कलर को स्प्रे करता है पेपर पे, मतलब ड्रॉप वाइज, जिसको हम पिक्सल बोलते हैं कि भाई हाई पिक्सल है, लो पिक्सल है, यानी एक इंच एरिया में कितने ड्रॉप डाले हैं उसने, तो वो आपका पिक्सल बोलते हैं उसको।
ठीक है, तो वो आप कलर को प्रिंट करता है, सेम फेनोमेना है फैब्रिक पे, सेम फैब्रिक पे प्रिंट होता है, लेकिन फैब्रिक पे जो कलर है दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर पेपर कलर। फैब्रिक पे हम डाइंग डाई बेस्ड कलर यूज करते हैं। ठीक सर, इसमें भी कोई है कि इसमें पॉलिएस्टर यूज कर सकते हैं? डिजिटल में भी जनरली पॉलिएस्टर ही यूज करते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग में लिमिटेशन यही है कि आपके सारी डाई आप उसमें यूज नहीं कर सकते। जो इंक आती है ना, इंक जो आ रही है जी, वो हाँ वो मेनली आपके डिस्पर्स डाई बेस्ड आती है, या रिएक्टिव डाई बेस्ड भी आने लग गई है अभी। लेकिन आप मतलब सारी डाई जो हम जैसे कि भाई वेट डाई बेस्ड इंक शायद नहीं आती है अभी, तो वो अभी एसिड आती है सर। और फिर दूसरी चीज कि आप अगर ब्लेंड को प्रिंट कर रहे हो तो एक ही ब्लेंड के लिए यूनिवर्सल वो नहीं है, इंक नहीं है अभी। दूसरा इसमें प्रॉब्लम होता है कि चॉकिंग ऑफ आपका नोजल, जो नोजल होता है ना जहाँ से ड्रॉप गिरता है, उसको आप थोड़े दिन आपने ऐसे रख दिया तो वो चॉक हो जाता है। और जो नोजल को चेंज करना, मतलब उसमें सबसे कॉस्टली पार्ट नोजल ही है, तो नोजल को चेंज करना वो एक इसमें मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। तो आजकल ऐसी इंक, वो इंक की वजह से होता था, तो अभी इंक में सब इम्प्रूवमेंट चल रहा है कि वो नोजल को चॉक ना करे। इंक जो मेनली है वो आपके डाई बेस्ड इंक होती है इसमें। तो अगर मान लो आपके पिगमेंट बेस्ड इंक आने लग गई तो फिर आपका वो यूनिवर्सल हो जाएगा, फिर आप उसको किसी पे किसी भी फैब्रिक पे प्रिंट कर दो, ब्लेंड है, कॉटन है, पॉलिस्टर है, किसी पे आप प्रिंट कर सकते हो। इसलिए इसके उसमें ये है कि जनरली आजकल साड़ियाँ और ये बहुत प्रिंट होने लगी हैं, क्योंकि वो पॉलिस्टर बेस ही होती है ज़्यादातर साड़ी। ये भी एक वर्ड सुना होगा आपने, फ्लॉक प्रिंटिंग, सुना है क्या किसी ने? जी सर। यस सर। वेलवेट पे भी होता है। हाँ, वेलवेट, वेलवेट जिसको बोलते हैं। फ्लॉक प्रिंटिंग में क्या कि फाइबर जो होते हैं आपके डाइड फाइबर, ठीक है, डाइड फाइबर लेते हैं और वो फाइबर को क्रॉप किया होता है, मतलब फाइबर बहुत ही कम लेंथ के फाइबर होंगे। तो जहां जहां जिस जिस एरिया पे हमें प्रिंट करना है वो फाइबर उसी एरिया पे जाके डिपॉजिट होंगे। तो उसमें भी क्या है, इसमें भी हम जनरली सिंथेटिक फाइबर लेते हैं, जो फ्लॉकिंग फाइबर लेते हैं ना, ये जो ये आपका नॉर्मल कपड़ा है, ठीक है, ये आपके फाइबर है फ्लॉकिंग फाइबर, जो हमें ये फैब्रिक पे जाके जिस जिस डिजाइन को प्रिंट करना है, जिस जिस पोर्शन को हमें प्रिंट करना है, वो पोर्शन पे जाके ये गिरेंगे और चिपकेंगे। तो फ्लॉकिंग फाइबर भी सिंथेटिक होता है। क्यों होता है, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है कि जो फाइबर यहाँ से आके और इस पे चिपक रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उससे होता है, यानी मैग्नेट आपका नीचे इलेक्ट्रिक को मैग्नेट एक्टिवेट होगा तो ये फाइबर वर्टिकल गिरेंगे एकदम सीधे, जैसे आप देख रहे हो ना, आप एकदम सीधे गिरेंगे। अब वो सीधे का क्या है फंडा है, सिंथेटिक फाइबर क्यों चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर का डायमीटर यूनिफॉर्म होता है। तो जब आप उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हो, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हो, तो वो सारे फाइबर का डायमेंशन सेम रहेगा, तो सब फाइबर एक डायरेक्शन में गिरेंगे। लेकिन अगर आपने नेचुरल फाइबर यूज किया तो उसका डायमीटर करता है वेरी, तो जहाँ ज्यादा डायमीटर है तो वहां पे आपको ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चाहिए, जहाँ कम है वहां कम चाहिए, वेरिएशन इन फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है। तो इस चक्कर में हम नॉर्मल फाइबर इसमें नेचुरल फाइबर्स यूज नहीं करते, सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं। और इस पे हम गम लगाते हैं पहले एडहेसिव, ठीक है, फैब्रिक पे एडहेसिव लगाएंगे, फिर जिस जिस हिस्से पे हमें प्रिंट करना है उस हिस्से पे हम ये फाइबर्स स्प्रे करेंगे थ्रू दिस अरेंजमेंट, और ये बाद में आपका फाइबर वहां पे जाके चिपक जाएगा। चिपकने के बाद ये आपका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट में क्या होगा कि जो फाइबर्स नहीं चिपके हैं, एक्सेसिव फाइबर्स हैं, वो आपके निकल जाएंगे, ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। तो ये वेलवेट वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कि इससे वेलवेट वाला फील आता है कपड़े पे, क्योंकि वो फाइबर आपके स्टिक हो जाएंगे आ जाएंगे। ठीक, ये तो चलो छोड़ो, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके बाकी के प्रिंट। ठीक है, कल आप फ्री हो तो कल से हम इसका फिनिशिंग का स्टार्ट करेंगे। ठीक जी सर। सर पीपीटी, आप पीपीटी और मैं शेयर कर दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, प्रीवियस वाली भी और ये भी कर देना लास्ट पर। ओके।